हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ फिर से एक नया ट्यूटोरियल जो कि है राजपूती लहंगे के ऊपर आप आपके हेयर्स को कैसे सेट करें और कैसे ज्वेलरी को वेयर करें। क्योंकि राजपूती लहंगे में क्या रहता है ना कि सिर की बहुत ज़्यादा ज्वेलरी होती है, तो उसको अच्छे से सेट करना आना चाहिए, नहीं तो हमारा लुक है वो डिस्ट्रॉय होता है। तो उस लुक्स को हम और भी अच्छा करने के लिए मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ राजपूती लहंगे के ऊपर हेयर स्टाइल एंड कैसे एक्सेसरीज को सेट करते हैं। मैं साथ में आपको गाइड तो नहीं कर पाऊँगी, पर जो जो चीज़ें हो रही है उसके ऊपर आप पूरा ध्यान दें तो उससे आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी बनेगी। तो अब मेरी हेयर स्टाइल बनने जा रही है और ये वाला जो मेकअप का ट्यूटोरियल है वो आ चुका है मेरे चैनल पर, तो जल्दी से जाकर देखो। आपको अगर ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा है तो ये ट्यूटोरियल आप क्रिएट भी कर सकते हो। हेयर स्टाइल में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये दोनों तरफ से मेरे जो बाल हैं वो अच्छे से चिपकाकर पीछे पिन से टाई कर दिए गए हैं और अब मेरी लगने जा रही है, आप देख सकते हो, रखड़ी। हमारे लुक को बहुत ही अच्छे से क्रिएट करती है। थोड़ा सा ऊपर, हल्का सा ऊपर, हाँ बस ठीक है। आप ऐसे डायरेक्ट रखड़ी को टाई कर सकते हैं और अगर रखड़ी टाई करने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो साथ में एक काला धागा यूज़ करें जिसकी आप नॉट लगाकर डायरेक्ट पीछे लगाएं और उसके अंदर पिंस फंसाएं। कितनी बार क्या होता है रखड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क होने की वजह से पिंस नहीं आ पाती हैं। सो ये अगर आपकी प्रॉब्लम है तो क्योर। सिंपल सी मैंने मेरी हेयर स्टाइल बनाई है क्योंकि राजपूती लहंगे के ऊपर ना ही पफ अच्छा लगता है ना ही जूड़ा। राजपूती लहंगे के ऊपर अच्छी लगती है ब्रिड, चोटी। तो अभी मेरी चोटी लगने वाली है तो एक बार मेरे पूरे बालों को अच्छे से टाई कर दिया जा रहा है। अब यहाँ पर लगने जा रही है मेरी बाल चोटी, क्योंकि मेरे बाल हैं तो छोटे, आप देख सकते हो बाल काफ़ी छोटे हैं। तो ज़रा बाल चोटी बता दीजिए हमारी। ये है बाल चोटी जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे हेयर के कलर की ही है। बाल चोटी आप कभी भी यूज़ कर रहे हो तो एक बार आपके हेयर का कलर देख लो और बाल चोटी का कलर देख लो, क्योंकि अगर दोनों में अलग अलग होगा तो मज़ा नहीं आने वाला है। यहाँ पर आप बाल चोटी को अच्छे से टाई कर लीजिए, क्योंकि कितनी बार क्या होता है ये जो लुक्स हम क्रिएट करते हैं वो किसी फंक्शंस में या फिर किसी ओकेजन्स पे रहते हैं, तो ओकेजन्स और फंक्शन में हम काफ़ी बिजी रहते हैं और कितनी बार क्या होता है ना काम काम में हमारी बाल चोटी कब गिर के यानी लटक के गिर जाती है पता भी नहीं चलता है। तो एक बार चोटी को अच्छे से टाई कर लें फिर हमारी चोटी के हमारे बालों के साथ मिक्स करें, ताकि उससे क्या होगा हमारी चोटी वो सेफ्टी से रहेगी। और यहाँ ऊपर अगर पिंस डालेंगे तो यहाँ पर तो क्या हम हेयर एक्सेसरी कुछ भी डेकोर कर देंगे तो उससे हमारी जो पिंस हैं वो शो नहीं होगी। वाओ, तो यहाँ पर मेरी चोटी बन के तैयार है कंप्लीट। थोड़े से जो बाल हैं, हालांकि नकली बालों में बाल लगाए हैं तो कुछ तो निकलने वाले ही हैं। अब आ जाती है शीश फूल्स की बारी, क्योंकि जो हमारे बालों में लगने वाला है रखड़ी लग चुकी है। शीश फूल को शीश फूल भी बोलते हैं, माथा पट्टा भी बोलते हैं, मेरी भी बोलते हैं, जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर। पूरी कुंदन वाली मेहरी लगा रही थी पर कुंदन वाली मेहरी से भी ज़्यादा अच्छा लुक इसका लग रहा है। शीश फूल रखड़ी सब लग चुकी है, पीछे चोटी भी बन चुकी है और आप देख सकते हो कितने अच्छे से सेट हो गया और कितना अच्छा लग रहा है। कभी फ्लैट लुक भी बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर मैंने कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पीछे टाइट चोटी बना दी है और आगे से चिपकू बाल। और अभी मेरे बालों में हेयर एक्सेसरी लगने वाली है, कुछ ज्वेलरी की एक्सेसरी लगाऊंगी और यहाँ पर थोड़ा बहुत जूड़ा लगा दूंगी जो कि मेरे बालों पर अच्छा दिखेगा। और जब तक मेरी हेयर एक्सेसरी आ रही है तब तक मैं इयररिंग जरिए वेयर करूँगी। यहाँ पर मेरे बालों में हेयर एक्सेसरी लग रही है जो मेरे कॉस्ट्यूम पर मैच हो रही है वही, और ज्वेलरी भी यहाँ साथ साथ में लग रही है हेयर पर। यहाँ पर मांग पट्टा ही ज्वेलरी में लग रहा है। यहाँ पर मेरी हेयर स्टाइल कंप्लीट, हेयर एक्सेसरी में भी लगा दी है मेरे बालों में और टन टना आप देख सकते हो।
कितनी अच्छी लग रही है हेयर स्टाइल, और बिल्कुल 5 से 10 मिनट में बनने वाली हेयर स्टाइल है ये। आप देख सकते हो बालों में मैंने शीश फूल भी लगा के अच्छा एक हेयर एसेसरी प्रोडक्ट बना दिया है। और अब आपको इस वीडियो का पूरा लुक देखना हो तो प्रीवियस वीडियो में जाकर देखो, मैंने पूरा मेकअप ट्यूटोरियल और मेकअप ट्यूटोरियल बता रखा है, हेयर स्टाइल तो आपने इसी वीडियो में देख ली है। बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।